में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या शुक्ला। आइए बढ़ते हैं खास खबर की ओर। टकटोली ग्रामीणों का आरोप, राशन विक्रेता द्वारा अंगूठा लगवा लेने के बावजूद भी नहीं दिया जाता है राशन। दरअसल आपको बता दें कि मऊरानीपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम टकटोली के ग्रामीणों ने उप जिला अधिकारी मऊरानीपुर के नाम शिकायत पत्र देते हुए बताया है कि गांव में कोटेदार के द्वारा घर घर जाकर लाभार्थियों से अंगूठा लगवा लिया जाता है, लेकिन राशन का वितरण नहीं किया जाता है। साथ ही ग्रामीणों ने कालाबाजारी के भी आरोप राशन विक्रेता पर लगाए हैं। ग्रामीणों ने उक्त मामले से उप जिला अधिकारी को अवगत कराते हुए गांव में राशन वितरण कराए जाने एवं मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। इस दौरान ग्राम प्रधान जीवा जी राजा ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है, मामले को लेकर अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा, साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी, कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कराई जाएगी। संवाददाता मुकेश राजपूत के साथ मनीष नायक की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जीवा जी राजा बुंदेला, ग्राम प्रधान टकटोली। अच्छा जी, बताइए प्रधान जी, आपके गाँव के लोगों ने कोटेदार पे आरोप लगाए हैं कि अंगूठा लगवा लिया गया है, राशन वितरण नहीं किया और कालाबाजारी राशन की, इस पर आपका क्या कहना है? ये मामला अभी चूंकि हमारे संज्ञान में आया है तो ये मामला हम अभी उच्च अधिकारियों के पास जाके बताएंगे, उनको अवगत कराएंगे और जो हमारे गांव में कालाबाजारी हुई है इसकी हम जांच करवाएंगे और जांच करा के हम राशन सबको दिलवाने की कोशिश करेंगे। और यदि कालाबाजारी इन लोगों ने की है जो राशन नहीं दे रहे हैं तो कोटेदार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा के उनको जेल भिजवाएंगे। कौन है आपके यहाँ कोटेदार? केशव अहरवार। नाम है आपका? जगदीश नाम है। किस गांव की निवासी हो? टकटोली। अच्छा, क्या समस्या है आप लोगों की गांव में इकट्ठे हुए? राशन नहीं मिला है हमको, अंगूठा भी लगवा लिया है। अंगूठा लगा दिया जी। कौन है कोटेदार आपके? केशव अहरवार। तो आपने उनसे कहा नहीं अंगूठा? कहा है। तो क्या कह रहे थे वो? अगले महीने में देंगे। इस महीने का नहीं दिया? नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? राशन चाहते हैं, उसी से जी रहे। क्या नाम है आपका? गुलचंद कुशवाहा, पूर्व प्रधान टकटोली। अच्छा जी, बताइए आप लोग गांव में इतने सारे लोग इकट्ठे हुए, क्या समस्या है? समस्या ये है कि राशन नहीं मिल रहा हम लोगों को। क्यों नहीं मिल रहा है राशन? इसलिए नहीं मिल रहा कि दबंग गई है, जो कोटेदार है कोटेदार की मंशा है कि राशन नहीं देना है किसी को। भाई संचालक जो था वो तो ठीक है, दूसरा संचालक बना, अब राशन देना ही नहीं, मंशा यही है। कौन है आपके यहाँ कोटेदार? केशव दास। तो आप लोगों ने उनसे कहा नहीं है? भाई कहा तो फिर आप लट्ठ की दम पे लेना हो तो जाइए राशन लेने, पंगा लगवा लिए आइए। हाँ वर्का यही है, नहीं SC ST लगवा देंगे अगर लाठी मारोगे हमें डांटोगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं राशन मिलना चाहिए समय से। क्या नाम है? हमारा राम सिंह प्रसाद कुशवाहा। कहाँ के निवासी हो? टकटोली। अच्छा जी, बताइए आप लोग इतने सारे लोग इकट्ठे हुए, क्या समस्या है आप? सितंबर माह का कोटेदार ने हम लोगों को राशन नहीं दिया, राशन लेने गए उन्होंने भगा दिया गया, हम लोगों के साथ दुरुपयोग व्यवहार कर रहे हैं। तो क्यों नहीं दिया गया? इसलिए नहीं दिया गया कि उन्होंने राशन तो मिला ऊपर से शासन से पूर्ण रूप से आया है, लेकिन उस राशन की कालाबाजारी हो गई है, हम लोगों के पास आ नहीं पाए। जैसे ही हम लोगों को जानकारी मिली कि हमारे गाँव का राशन बिक गया है तो हम लोग सारे लोग इकट्ठे होकर कोटेदार केशव प्रसाद अहरवार के पास गए, तो उन्होंने पूछा और बोला, तो उन्होंने हम लोगों के साथ दुरुपयोग व्यवहार किया, हम लोगों को भगा दिया। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत की है? शिकायत की तो ही, अभी शिकायत की कोई हम लोगों की कोई खबर नहीं आई है, और शिकायत करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कहीं पैसे ऐसे दे दे को आके अपना कर लेता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ ग्राम टकटोली में सही समय पर कोटा वितरण हो, सारी जनता को मिले। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उसी के सहारे रहते हैं और पूर्णता से उसी पर निर्भर हैं कोटे पर,